बच्चों, आज हम कक्षा छठी में पन्ना नंबर 102 के ऊपर हिंदी विषय को लेकर रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए जो कविता हमें दी गई है उसका अध्ययन करेंगे। ऐसी ही कविता हमने पन्ना नंबर पहले 97 पे बादल रूपी कविता का अध्ययन किया है। आज हम रीडिंग फॉर प्लेजर के माध्यम से बादल और बूंदे इस कविता का अध्ययन करेंगे। बंद किए हैं बादल ने अंबर के दरवाजे, बादल आकाश में गगन में नभ में बादल आने की वजह से उसने सब दरवाजे बंद किए हैं, और इस दरवाजे को बंद करने की वजह से आकाश में नहीं नजर आता है सूरज ना कहीं चांद सितारे। आकाश में न दिन में सूरज दिखाई देता है न रात में चांद और सितारे दिखाई देते हैं। आगे, ऐसा मौसम देखकर चिड़ियों ने भी पंख पसारे, और इस बादल रूपी आने की वजह से यह जानकर इन इस मौसम को जानकर इस वातावरण को जानकर इस हालात को देखकर चिड़ियों ने भी पंख पसारे, अपने पंख फैले। हो प्रसन्न धरती के वासी नभ की ओर निहारे, और धरती पर रहने वाले वासी यानी लोग भी नभ की ओर देख रहे हैं। निहारना मतलब देखना कि अब बादल की बूंदें आने वाली है। ऐसा मौसम देखकर चिड़ियों ने भी पंख पसारे, हो प्रसन्न धरती के वासी नभ की ओर निहारे। नभ यानी आकाश, अंबर, उस आकाश और अंबर की ओर धरती पर रहने वाले जितने भी पशु पंछी मानव है वो देख रहे हैं। बूंद बूंद अब थिरक रही है, उफन चली है नदियाँ। बूंद बूंद अब धरती पर थिरक रही है, आ रही है, इसकी वजह से नदियों में पानी भी बढ़ रहा है, उफन रही है बारिश के बूंदों की वजह से। धरती पर गिरी बूंद अब नदियों में जा रही है, इसकी वजह से नदियाँ उफन रही है। मोर नृत्य दिखलाते मोह कुक रही कोयलिया, मोर क्या कर रहे हैं, बादल रूपी आकाश घने बादल से छाने के वजह से बारिश के आने के वजह से इस वातावरण को देखकर मोर नृत्य दिखला रहे हैं, और इस मोहक नृत्य को मोर के नृत्य को देखकर कोयलिया भी कूक रही है। मोर नृत्य दिखलाते मोहक कूक रही कोयलिया, वन जंगल के बीच पवन जब मीठी तान सुनाए। वनों में जंगलों में पवन यानी वायु वारा अपनी मीठी तान सुनाए रहा है, क्योंकि बादल के आने के वजह से धरती पर बूंदे आने की वजह से बारिश आने की वजह से वन में जंगल में वायु भी पवन यानी वारा भी मीठी तान सुना रहा है, जैसे बिरजू भैया की तान संगीत देने की जो कोशिश थी बैजू बावरा की, उसी प्रकार वन जंगल के बीच पवन जब मीठी तान सुनाए। सागर देता ताल, पानी बढ़ने की वजह से सागर भी गगन को देखकर आवाज दे रहा है। सागर देता ताल गगन हो मगन मृदंग बजाए, सागर ताल देता है और गगन में आवाजें शुरू होती है, और ये आवाजें मगन मृदंग बजाए मानो ऐसे लग रहे कि भजन करते समय जो मृदंग बजाया जाता है ना, उसी प्रकार गगन में बादल के आने के वजह से आवाज हो रही है। सागर देता ताल गगन हो मगन मृदंग बजाए, बदली की काली चुनरी पर बिजली की सजी किनारी। बादल रूपी जो काली चुनरी थी उसके ऊपर बिजली की सजी किनारी, बादल रूपी काली चुनरी पर बीच में ही बिजली की किनारी आती है, बिजली चमकती है, प्रकाश दिखाई देता है। बूंदों की पायल की रुनझुन लागी सबको प्यारी, और बादल रूपी बूंदे जो जमीन पर गिरती है ना उसकी जो टप टप आवाज है पायल की तरह रुनझुन यानी प्यारी अच्छी लगती है। बूंदों की पायल की रुनझुन लागे सबको प्यारी। इस तरह से बादल और बूंदे इस कविता का अध्ययन करने के बाद पन्ना नंबर 97 पर जो कविता है बादल, और 102 के ऊपर ये रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए जो कविता दी गई है उसमें साम्य है। बादल के आने से धरती पर आकाश में
पशु पक्षी और मानव के लिए सागर जल थल में जहाँ पर भी जो परिवर्तन होता है बादल और बूंदों की वजह से, ये परिवर्तन यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है और यही साम्य है। क्योंकि बादल आने से आकाश में घने बादल छाने से, बारिश की बूंदें धरती पर आने से क्या परिवर्तन होता है, इसकी जानकारी हमने बादल और बूंदें इस कविता के माध्यम से ली। अब आपको होमवर्क के लिए एक प्रश्न दिया जाता है कि बादल और बूंदे तथा बादल इस कविता में क्या साम्य है, इसकी जानकारी लिखकर 20 पंक्तियों में व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप पर सेंड कीजिए कक्षा 6 के। इस तरह से आज हम यहाँ पर रुकते हैं, धन्यवाद। और हाँ, कक्षा 6 में जिन छात्रों ने आज तक यूनिट नंबर 4 मराठी और हिंदी के पेपर नहीं दिए हैं, वो पेपर व्हाट्सएप पर सेंड करें या फिर प्रिंसिपल साहब से आकर मिले। यहाँ पर रुकते हैं हम, धन्यवाद।